आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्यूब टेस्ट, ट्यूबों का एक्सरे, HSG या हिस्टेरोसल्फिंगोग्राम क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनफर्टिलिटी हर घर का एक मसला है। अगर हम इनफर्टिलिटी के वर्कअप में देखें तो 30% कपल्स ऐसे होते हैं जो कि जिसमें फीमेल पार्टनर्स के अंदर ट्यूब्स के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। HSG या हिस्टेरोसल्फिंगोग्राम ट्यूब्स पैथोलॉजी या ट्यूबल ब्लॉकेज या ट्यूबल पेंडेंसी को कंफर्म करने के लिए किया जाता है और ये उसका सबसे बेसिक टेस्ट है। ये कब होता है, इसको कैसे किया जाता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यूजुअली हिस्टेरोसल्फिंगोग्राम मेंस्ट्रुएशन के बाद, यानी जब औरत के मेंसेस ख़त्म होते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन के 9th या 10th डे पे किया जाता है। इसको भी 9th या 10th डे में आफ्टर मेंस्ट्रुएशन करने की एक वजह है, क्योंकि उस वक्त हमें श्योरिटी होती है कि फ़ीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। इसमें हम एक ख़ास दवाई जिसको कि रेडियोपेक डाई कहते हैं, जो कि एक्सरे में हमें दिखाई देती है, इसे हम यूट्रस के मुंह से गुजारते हैं, जो कि बच्चेदानी में से यानी यूट्रस में से गुजरते हुए ट्यूबों को आउटलाइन करती है और फिर इसका अखराज हम एक्सरे के ज़रिए एब्डोमिनल कैविटी या पेट के अंदर देखते हैं। बहुत सारी औरतों का ये सवाल होता है कि क्या ये टेस्ट पेनफुल है या डिस्कम्फर्ट करता है। अगर आपकी ट्यूब्स खुली हुई हैं और उसके अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है तो यूजुअली ये एक नॉर्मल से एब्डोमिनल क्रैम्प या जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान औरतों को दर्द होती है, उससे ज़्यादा आपको पेन नहीं होती, जिसके लिए कि पेन किलर्स भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या उनके अंदर कोई रुकावट है तो फिर उन औरतों के लिए ये शदीद डिस्कम्फर्ट या दर्द का बाइस बन सकते हैं। टेस्ट करने के बाद यूजुअली जो है आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दिए जाते हैं, जो कि आप 1 वीक के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आपको इन्फेक्शन और पेन से बचाव के लिए दिया जाता है। बाज़ औरतों को टेस्ट के बाद थोड़ी सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, जिसमें कि परेशान होने की बात नहीं होती, ये लोकल थोड़ा बहुत इंटरवेंशन या ट्रामा की वजह से हो सकता है। अगर टेस्ट के ऊपर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं तो फर्दर आपकी डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस करती है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट लेप्रोस्कोपी है। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको लेप्रोस्कोपी के बारे में मालूमात देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ट्यूब टेस्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ें, आपके सवाल इससे हल हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया।